नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज पच। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के स्टेट प्रेफरेंस के बारे में। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, ये वाला स्टेज होता है जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है कि इसमें कैसे हम प्रेफरेंस डालें, कौन से स्टेट को पहले हम डालें। ठीक है, तो देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो कट ऑफ जाएगा वो तो शुरुआत का कट ऑफ ओवरऑल जाएगा। उसके बाद कुछ बाद में जो फाइनल कट ऑफ आपका जाएगा वो स्टेट के हिसाब से भी जाता है, मतलब किसी स्टेट का कम चला जाएगा, किसी स्टेट का ज़्यादा चला जाएगा, तो ये भी होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ बात करें कि इस जो 19 वाला जो प्रेफरेंस है, स्टेट प्रेफरेंस है, उसको कैसे फिल करें, तो यहाँ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर सभी जो स्टेट है उसको फिल करना ज़रूरी है। ठीक है ना, आप खाली नहीं छोड़ सकते। जब तक आप फिल नहीं कीजिएगा तब तक ये आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, फॉर्म आपका आगे प्रोसीड नहीं होगा। अगर आप खाली छोड़ना चाहते हैं, किसी स्टेट को नहीं फिल करना चाहते, तो यहाँ पे एक्स देना होगा। एक्स नाम का ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, एक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्स देना होगा, कैपिटल एक्स देना होगा। उससे वो समझा जाएगा कि वो स्टेट आप ब्लैंक कर रहे हैं। ठीक है ना कुछ इसमें देना है, कुछ ना कुछ अल्फाबेट देना है। आप वो कहाँ से देना है, यहाँ देखिएगा डिटेल का ऑप्शन दिया। जैसे इस डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा चंडीगढ़ दिया हुआ है। ए मतलब चंडीगढ़, बी मतलब जम्मू कश्मीर, सी मतलब हरियाणा, डी मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, ई मतलब हो जाएगा पंजाब लद्दाख, और एफ मतलब लद्दाख हो गया, जी ई मतलब दिल्ली हो गया, एच मतलब राजस्थान, आई मतलब उत्तराखंड, जे मतलब बिहार, के मतलब यूपी, एल मतलब झारखंड, और एम मतलब उड़ीसा, एन मतलब वेस्ट बंगाल, और ओ मतलब देखिएगा अंडमान, और पी मतलब सिक्किम हो गया, क्यू मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आर मतलब क्या हो जाएगा असम हो जाएगा, एस का मतलब क्या हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, टी मतलब क्या हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, यू मतलब क्या हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, वी मतलब क्या हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, डब्ल्यू मतलब त्रिपुरा, और वाई मतलब छत्तीसगढ़, जेड मतलब मध्य प्रदेश, और ए के मतलब हो जाएगा दादर नगर हवेली, गोवा हो जाएगा, दो मतलब तीन मतलब क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, चार मतलब महाराष्ट्र हो जाएगा, पाँच मतलब आंध्र प्रदेश, छः मतलब पुडुचेरी, सात मतलब देखिएगा तमिलनाडु हो जाएगा, आठ मतलब तेलंगाना, नौ मतलब कर्नाटका, दस नंबर केरल, और ग्यारह लक्षद्वीप, और बारह क्या हो जाएगा ऑल इंडिया। ठीक है ना, तो बारह मतलब क्या हो जाएगा ऑल इंडिया हो जाएगा। तो आप बारह यहाँ फिल कर सकते हैं, पूरे इंडिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक साथ आप बारह दे सकते हैं, बारह मतलब होता है ऑल इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इनमें से कौन सा स्टेट को आप लोग को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा जो साउथ वाले स्टेट है ना, उसको आप प्रेफरेंस में पहले नंबर पर रखिए। जो साउथ वाले स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेट है, मैं बता देता हूँ आपको, जो पहले नंबर पर रखना है कर्नाटका। इस कर्नाटका को नंबर वन पे रख सकते हैं, क्योंकि कर्नाटका में अक्सर देखा जाता है कि ये जो एरिया है ये आईटी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे लोग प्राइवेट जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट जॉब और एसएससी एमटीएस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो कर्नाटका आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पहला प्रेफरेंस डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है एसएससी के फॉर्म में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद कहाँ देना चाहिए आपको, तो मैं आपको बोलूँगा कि उसके बाद आप कर्नाटका के बाद आप चाहे तो तमिलनाडु दे सकते हैं, तमिलनाडु का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। ठीक है ना, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु दे दीजिए, या गुजरात दे सकते हैं, गुजरात का कट ऑफ कम जा सकता है, महाराष्ट्र का भी कट ऑफ कम जा सकता था। तो अभी ये देखिएगा, ये मतलब ये पेज है, सर्वर शायद ख़राब था इसके कारण चला गया। तो मैं आपको पहला प्रेफरेंस बताना चाहूँगा कि साउथ का कोई भी स्टेट दे सकते हैं, या अलग से एक वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। ठीक है ना, बाद में मैं अलग से वीडियो आप लोग को स्टेट के प्रेफरेंस पे बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल ये पेज मैं रिफ्रेश करने का कोशिश करता हूँ, अगर रिफ्रेश हो जाता है तो मैं इसी वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, और नहीं होता है तो मैं अलग से वीडियो बता दूंगा कि बेस्ट स्टेट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए आपके लिए। ठीक है ना, चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।